Good morning everyone. So today we are discuss about our chapter number 12. In this chapter our last topic is remain. Okay, हमारा last topic ही आज बाकी है जो आज हम finish कर देंगे. Okay, तो यहाँ पर आपका chapter आज finish हो जाएगा. Okay, so chapter number 12 page number 172 पर हमारा बाकी है. As mentioned earlier, batch example कल करवाया था उसके नीचे से बाकी. Okay, so as mentioned earlier, bats search out prey and fly in the dark night by emitting and detecting reflection of ultrasonic wave. जो bats होते हैं वो क्या करते हैं, night के time पे hunting करते हैं. Okay, तो generally वो क्या करते हैं, ultrasonic wave produce करते हैं और उसका जो भी hunt उसका जो भी शिकार है मतलब hunt है उसे क्या करते हैं, उस पर अगर वो अल्ट्रासोनिक वेव क्या गया उस पर ट्रांसमिट किया और वहाँ से उसकी बॉडी से वो वापस रिफ्लेक्ट हुआ है तो उसको पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ है. ओके, सो नाइट पिच अल्ट्रासोनिक स्क्वीसेस ऑफ द बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर. वहाँ से टकरा के वापस क्या वहाँ कहाँ पर आएगा, बैट के ईयर में उसे सुनाई देगा. एज शोन इन फिगर 12.18 द ऑब्स्टेकल और प्रे इज एंड वॉट इज लाइक. यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे बैट को सुनाई देता है वापस, वो क्या करता है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है ट्रांसमिट करता है और वो ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आएगा तब उसे सुनाई देगा, उससे वो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है. पर्पज इज ऑल्सो यूज अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेशन लोकेशन ऑफ फूड इन द डार्क. पर्पोजिस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना फूड ढूंढने के लिए अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं और वो उससे डार्क में फूड को सर्च कर सकते हैं. ओके, उसके बाद दिया है 12.6 लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. ह्यूमन को कैसे सुनाई देता है वो यहाँ पे आपको दिया है. सो पहले तो आपको फिगर दिया है, फिगर में ये आपका पीना ये आउटर ईयर है, मिडल ईयर पार्ट है, ये वाला मिडल पार्ट है और इसके आगे वाला ये है जो इनर पार्ट है. ओके, तो यहाँ पर आपको फिगर आपकी बुक में भी दिया है तो आउटर मोस्ट जो है वो उसे पीना के नाम से यहाँ पे पीना जो है वो आपका क्या है, आउटर लेयर ऑफ ईयर है. ओके, उसके बाद आपका हैमर एनविल एंड हैमर एनविल ओवल विंडो वो सब आपका आता है मिडल ईयर में और इनर में आएगा आपका ऑडिटरी नर्व जो है वो एंड कॉक्लिया वो दोनों इसमें आएगा. ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे यहाँ पे जनरली दिया है कि कैसे फंक्शन है, कैसे हर एक फंक्शन का कैसे कैसे वर्क है. ओके, वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड द ईयर. ह्यूमन के पास सुनने के लिए एक एक्सट्रीम डिवाइस है, कौन सा, हमारे कान ही, हमारे ईयर्स जो है वो क्या करते हैं, हम कुछ भी चीज़ें सुन पाते हैं तो उसकी वजह से ही सुन पाते हैं. इट अलाउस अस टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विथ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल दे ट्रैवल टू अ ब्रेन वी आर द ऑडिटरी नर्व. हमारे यहाँ क्या होगा, साउंड वेव जो भी आएगा उसका जो भी सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा और ब्रेन के विया क्या करेगा, ब्रेन में जाके वापस से क्या ऑडिटरी नर्व से क्या करेगा ट्रांसमिट, जिससे हमें सुनाई देता है जनरली. सो द ऑडिटरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिस्टर्स बिलो. द आउटर ईयर इज कॉल्ड द पीना. आउटर ईयर जो है ये वाला जो होता है वो क्या करता है, उसका नाम है पीना. उसका वर्क क्या है, इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग. ये क्या करता है, सराउंडिंग में जो भी आपका उस आवाज़ सुनाई देती है वो ये वाला पार्ट जो है वो उसे कलेक्ट करता है. ओके, द कलेक्टेड साउंड पासिस टू द ऑडिटरी नर्व. अब इसने कलेक्ट तो कर लिया लेकिन यहाँ से पास करेगा अंदर तो ये जो हमारी ऑडिटरी नर्व है ये वाला पार्ट तो वो क्या करता है, अंदर सिग्नल को साउंड को अंदर भेजता है. ओके, सो एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम. जैसे ही ये ऑडिटरी कैनाल जो है यहाँ पे क्या होती है, इसका एंड आ जाता है तो ये जो एंड वाला पार्ट है जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम थिन मेम्ब्रेन. यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलेंगे थिन मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम या फिर क्या बोल सकते हो, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, तीन नाम दिए हैं. ओके, इनर थिन, यहाँ पे एंड पे थिन मेम्ब्रेन है
जिसको हम बोलेंगे ईयर ड्रम या फिर टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन. ओके, व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ अ मीडियम रीचेस द ईयर ड्रम द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस. जैसे ही क्या करेगा, मीडियम से ये साउंड क्या कहाँ जा रहा है, ईयर ड्रम में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, आउटसाइड से इनसाइड में प्रेशर वेरिएशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द फोर्सेस ईयर ड्रम इन्वॉल्व. तो क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, ईयर ड्रम जो है वो आउटसाइड से अंदर क्या करेगा, अलग वाइब्रेशन यानी कि अलग क्या दे रहा है, यहाँ पे प्रेशर अलग क्रिएट कर रहा है कंपेयर टू आउटसाइड. सो व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीचेस द ईयर ड्रम द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीज. आउटसाइड मेम्ब्रेन पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा एंड फोर्सेस द ईयर ड्रम इनवर्ड. और ईयर ड्रम को अंदर की डिरेक्शन में क्या करेगा, अंदर की डिरेक्शन में फोर्स देगा. सिमिलरली द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ रेट्रैक्शन रीचेस इट. यहाँ पे हमने पढ़ा था कंप्रेशन होगा एंड रेट्रैक्शन, दो वाली चीज़ें पढ़ी थी. अगर क्या होगा, कंप्रेशन है तो क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा. रेट्रैक्शन है तो क्या करेगा, ईयर ड्रम आउटवर्ड में मूव करेगा, बाहर की तरफ आएगा अगर रेट्रैक्शन रीच हो रहा है तो. इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट. ऐसे क्या करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है. कंप्रेशन रेट्रैक्शन, कंप्रेशन रेट्रैक्शन, किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे. और अगर ये प्रेशर हाई है लो है इस पे डिपेंड करता है, तो कंप्रेशन एंड रेट्रैक्शन कंटिन्यू होगा तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, द वाइब्रेशन आर एम्प्लीफाइड सेवरल टाइम्स बाय थ्री बोन्स. अगर ये वाइब्रेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है तो वो ये हमारे ईयर में जो थ्री बोन्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशन एम्प्लीफाइड हो रहा है. ओके, तो वो बोन्स कौन कौन से है, द हैमर एनविल एंड स्टीरअप. यहाँ पे दिया है हैमर एनविल एंड स्टीरअप, तीन है, तीन बोन्स है आपके ईयर ड्रम के अंदर. सो द मिडल ईयर ट्रांसमिट द एम्प्लीफाइड प्रेशर. मिडल ईयर क्या करता है, आपका जो एम्प्लीफाइड प्रेशर वाइब्रेशंस है, वेरिएशन से वाइब्रेशन जो हुआ ना, जिसकी वजह से एम्प्लीफाई हुआ है, तो उसकी उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द साउंड वेव टू इनर ईयर. कहाँ से, ईयर ड्रम जो मिडल पार्ट है वहाँ से लेके इनर ईयर तक वो क्या करेगा, उसे ट्रांसमिट करेगा, आगे पास करेगा. द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय कॉकलिया. यहाँ पे दिया है कॉकलिया क्या करता है, आपका जो साउंड वेव है, साउंड सिग्नल है, उसे किस में कन्वर्ट करेगा, प्रेशर जो है वेरिएशन, प्रेशर की वजह से वेरिएशन आया है साउंड में, तो यहाँ पे क्या हो रहा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. सो दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन विया द ऑडिटरी नर्व. ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो किसके थ्रू जाएगा, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा. ओके, एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स देम एज अ साउंड. और आपका ब्रेन जो है वो क्या, उसे क्या समझेगा, साउंड समझेगा. ओके, तो ये जनरली आपको अपने ईयर में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साउंड सुनने की आदत है, तो जनरली आपको पता चल जाता है. अगर लाउड वॉइस कहीं से आ रहा है तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि यहाँ से लाउड आ रहा है. फिर कोई बहुत धीरे बोल रहा है तो हमें सुनाई नहीं देता जनरली. तो क्यों, क्योंकि आपको अगर क्लियरली क्या है, साउंड प्रोपोगेट ही नहीं कर रहा है तो आपके ईयर तक आएगा ही नहीं. ओके, तो जनरली आपको अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो आप लाउडली बोलते हो तो अच्छे से आप सुन पाते हो. तो आपका इस चैप्टर में यहाँ तक ही दिया है, उसके बाद आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है. ओके, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और मैंने ये जो लिया है यहाँ पे, ये जो फंक्शंस लिखे हैं उसका आपको वर्क लिखना है और ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, थैंक यू एवरीवन.